नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप चाहें तो एज अ बॉर्डर, चाहें एज अ डिज़ाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारे डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 8 संख्या में फंदे चाहिए। मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं और इसे फंदे डालने के बाद सीधे शुरू कर सकते हैं या फिर बॉर्डर बनाने के बाद भी बना सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। पहला फंदा उल्टा बुने और फिर 2 फंदों के बीच में, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा है, तो 2 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने एक लूप बना लिया। अब इस लूप को ये दूसरा फंदा है और तीसरा फंदा है, दोनों फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे और अगला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसे बिना बुने सरका लेंगे और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, देखिए ये 2 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे और अब अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को ऊन अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिए ऊन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे। ये हम किसी फंदे में सिलाई नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये जो बीच में स्पेस है उसमें हम सिलाई डाल रहे हैं। 2 फंदों के बीच में जो स्पेस है उसमें हम सिलाई डाल रहे हैं और एक लूप निकालेंगे। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप कर देंगे और अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। 2 फंदों के बीच में जो जगह है उसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को जिसके बाद हमने सिलाई डाला है उसको टाइनी सिलाई में चढ़ा लेंगे बिना बुने हुए, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। 2 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। अब जिस फंदे के बीच में हमने सिलाई डाला था उस फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, अगले फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे दिख रहे हैं, एक जिसे हमने स्लिप किया था और दूसरा जिसे हमने लूप निकाला था, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे हैं, देखिए जिसे हमने लूप निकाला था ये वो फंदा और एक जो फंदा हमने स्लिप किया था। तो दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा
बना लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, और ये देखिए दो दो फंदे इकट्ठे हो गए हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे हैं, देखिए इसे हमने स्लिप किया था और ये फंदा जिसे हमने लूप बनाया था, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, इस तरह एक फंदा सीधा और दो फंदों को एक साथ लेके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और दो फंदों को एक साथ लेके एक फंदा उल्टा, इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा, चूँकि 8 संख्या में फंदे हैं तो लास्ट फंदा सीधा आएगा, पहला फंदा भी सीधा और लास्ट फंदा भी सीधा ही आएगा। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों के बीच में, ये देखिए दो फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और जिस फंदे के बाद हमने लूप निकाला है उसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और जिस फंदे के बाद हमने लूप निकाला है उसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा, इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे जो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं उन्हें एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, देखिए दो दो फंदे इकट्ठे हैं उन्हें एक साथ बुन लेंगे और ये सीधी लाइन जो जा रही है उसे हम सीधा बुन लेंगे, उन्हें अपनी ओर करेंगे, दो फंदे देखिए इकट्ठे दिख रहे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और ये सीधी लाइन जा रही है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं दोनों लाइनों को हमें पूरी स्वेटर में दोहराना है, देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है, दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और दो ही लाइन, इन्हीं दोनों लाइनों को पूरे स्वेटर में दोहराना है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, इसे आप एज ए बॉर्डर भी बना सकते हैं और डिज़ाइन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में डिज़ाइन को शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।